आज देश की एक लोकसभा और चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के परिणाम आने वाले हैं। इसके लिए मतगणना जारी है। जिन चार विधानसभा सीटों पर काउंटिंग हो रही है वे हैं पश्चिम बंगाल में बालीगंज, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़, बिहार में बोचहा और महाराष्ट्र का कोल्हापुर। वहीं एक लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल का आसनसोल है। इन सीटों पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था। टीएमसी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि बालीगंज में 41% मतदाता ने मतदान किया है, जो कि विपक्ष के अनावश्यक दावे को खारिज करते हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या इतना मतदान होता? बंगाल ममता दीदी के साथ है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जाने माने अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया गया है। वहीं भाजपा ने इस सीट से अग्निमित्रा पॉल को उतारा है। तो पश्चिम बंगाल की एक लोकसभा और चार राज्यों में चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 8 बजे से मतगणना जारी है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मतगणना के शुरुआती रुझान में पोस्टल बैलेट की मतगणना में शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से पीछे चल रहे हैं। हालांकि बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने जीत का दावा किया है। খবর মিডিয়াতে বাইরে নিয়ে যাও, ওইটা দেখছি না।